नमस्कार दोस्तों, आज है मेरे पास ये वीवो का वीवो V27। दोस्तों इस फ़ोन को काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट में लॉन्च हुए, बट दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस फ़ोन के अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी ऐसे डिवाइस होते हैं वीवो के, ओप्पो वगैरह के, जिनमें हमें जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो काफ़ी लेट देखने को मिलते हैं, टाइम टू टाइम देखने को नहीं मिलते। बट अभी जो मेरे पास फ़ोन है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, और इससे पहले भी आपने मेरी कई वीडियो देखी होंगी जिसमें मैं सिस्टम अपडेट को लेके वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें एक नया अपडेट आ चुका है जिसका साइज़ की बात करूँ तो वो है दोस्तों 394 MB का। तो दोस्तों इस अपडेट में हमें क्या क्या नया देखने को मिलता है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होके मिली है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो डिस्प्ले पर, इसमें हमें दिसंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है, वैसे हमें जनवरी का मिलना चाहिए बट अभी इसमें दिसंबर का मिल रहा है। काफ़ी डिवाइस में दोस्तों ये अपडेट भी नहीं आया, तो ये अच्छी बात है। और हमारा तो दोस्तों जो नेटवर्क का जो कैपेसिटी है वो भी दोस्तों इसमें हमें थोड़ी इम्प्रूव होके मिली है, और बाकी कई और चीज़ें जो आप देख सकते हो इसमें हमें फिक्स होके मिली हैं, जैसा कि आप डिस्प्ले पे इसमें देख सकते हो काफ़ी चीज़ में इम्प्रूव होके आई है इस अपडेट के अंदर। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में अपडेट आ चुका है तो फटाफट से इस अपडेट को अपने फ़ोन में कर लो। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हमारे फ़ोन में जब भी कोई अपडेट आता है तो उससे क्या होता है कि जब हम उस अपडेट को अपने फ़ोन में कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं तो एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत ये है कि हमारे फ़ोन में कई ऐसी एप्लीकेशन होती हैं थर्ड पार्टी, जैसे कि हम गूगल से डाउनलोड करते हैं, गूगल प्ले स्टोर से नहीं, क्रोम जैसे गूगल की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, जो एपीके एप्लीकेशन होती हैं वो। दोस्तों अपडेट के बाद क्या होता है, जैसे हम अपडेट कर लेते हैं फ़ोन को तो वो एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं करती, फिर हमको क्या करना पड़ता है, वो एप्लीकेशन डिलीट करनी पड़ती हैं और दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं डाउनलोड करने के बाद, तो ऐसा कुछ दिक्कत आती है। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ही ये दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे मैं इस दिक्कत का सॉल्यूशन लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ। फिलहाल दोस्तों आपके फ़ोन में अपडेट आ चुका है तो फटाफट से ऐसा कर लो। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों किसी और वीडियो में, और आप मुझे नीचे बता सकते हो कि इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या दिक्कत आई हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों चैनल पर बने रहिए।